मतलब उन दोनों में लव स्टोरी चालू हुआ, फिर उन दोनों ने यहाँ ही शादी कर ली। शादी हुआ कि नहीं हुआ? नहीं नहीं हुआ। अभी हमारे साथ गुड़िया राज जी हैं, जो कि एक इनका छोटा सा क्लिप बहुत सारा वायरल हुआ, जो कि शिल्पी राज के गाने से ये काफ़ी वायरल हो रही हैं और काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है, और क्या कहना चाहेंगे आपका एक छोटा सा क्लिप वायरल हो रहा है शिल्पी राज के गाने से? क्या कहना चाहेंगे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई इस बात से, क्योंकि बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है किसी का वीडियो वायरल होता है या फिर कोई फेमस होता है, सबके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ तो मुझे बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा लगा इस बात से। अच्छा, एक शिल्पी राज के गाने से आपका वीडियो वायरल हो रहा है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल लगा रहे हैं, लेकिन अभी आप जहाँ तक जहाँ भी जाते हैं अपना प्रोग्राम देने, इसका क्या कारण है कि आप ये मजबूरी में करते हैं या इसका के पीछे क्या? बिल्कुल मजबूरी में करते हैं। बहुत डांस तो कोई खराब चीज नहीं है, खराब चीज, लेकिन ये जो ऑर्केस्ट्रा में होता है ना, इसको खराब माना जाता है। अच्छा, लोग बहुत सारे लोग होते हैं जो कि गलत सारे मतलब निगेटिव थॉट्स आप लोगों के बारे में सोचते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? वैसे देखिए, हम बोल नहीं रहे हैं कि डांस कोई ख़राब चीज़ है, बस ये ऑर्केस्ट्रा में अगर डांस कीजिएगा ना तो इसको ख़राब बोला जाता है, और इस लाइन में जो भी लड़कियां हैं उनको भी ख़राब बोला जाता है, इसीलिए कोई भी कुछ भी बोलकर निकल जाता है। जी जी। अच्छा, आप लोग जाते हैं तो जो भी लोग जितने भी लोग मतलब युवा लोग हैं, लोग गलत सारा गलत निगेटिव थाट्स देते हैं आप लोगों को, और बहुत सारा परेशानी आप लोग को झेलना पड़ता है, तो इसमें आप लोग जब इसमें नहीं आए थे उससे पहले आप लोग क्या करते थे? उससे पहले मेरे मम्मी मेरे पापा इसी लाइन में काम करते अच्छा, थे। हाँ, दूसरा के पार्टी में। अच्छा हाँ। आपका स्थाई पता कहाँ पड़ेगा? कोलकाता। कोलकाता से जी। अच्छा, ये बताइए कि अभी आप पढ़ाई वढ़ाई किए हैं? हाँ, पढ़ाई हम जब 12 साल के थे ना तब बिहार में आए हैं। 12 साल के थे। हाँ, और मेरा जन्म मेरा पढ़ाई लिखाई सब कोलकाता में ही हुआ। कितना तक पढ़ाई की? 8 क्लास लास्ट। अच्छा, हम चाहेंगे कि आप जो जिस गाने से आप वायरल हुए हैं उस गानों की एक बार आप गा कर सुना सकते हैं? क्या जो भी आते हैं, मुझे गाना नहीं आता है, फिर भी आप सुने भी होंगे ना उतना सा। गाना नहीं सुने? अच्छा, शिल्पी राज को पसंद है? बिल्कुल पसंद है, क्योंकि आप ऐसा भी आपने अपने वीडियो में बताया काफ़ी सारे इंटरव्यू में कि उसी गाने आप ज़्यादातर जहीं भी जहाँ भी जाते हैं आप उसी गाने को बजवा कर डांस करते हैं। अब तो पहले जब वो न्यू सॉन्ग निकला था ना वो वाला नाना दिया रे, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। शिल्पी राज जी का मतलब हर गाना मुझे अच्छा लगता था, वो वाला मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो कहीं भी जाते थे ना खुद के फ़ोन से बजवा कर डांस करते थे। अच्छा, कि हाँ ये वाला गाना बजा दो। कहाँ हुआ था वायरल, कहाँ हुआ था? किस? हमारे पास के गाँव में। पास के गाँव। हाँ, तो ये बताइए कि जो गाना वायरल हुआ इसमें कौन वायरल करने के पीछे कौन था, कौन था? देखिए, हम लोग जब प्रोग्राम में गए थे, तिलक का प्रोग्राम था, तो वो लास्ट सॉन्ग बजने वाला था, तो खुद के फ़ोन देकर हम बजाए थे कि बजा दो ये वाला लास्ट गाना है। और वहाँ उस तिलक में कोई निमंत्रण था उनका, वो आए थे, उनका नाम अभिषेक है और वो मीरगंज के हैं, तो बस वही वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड किए। चाहिए, ऐसे काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम वायरल किए हैं तो हम वायरल किए। नहीं नहीं नहीं, जो नंबर वन क्रिएशन है चैनल का नाम, उसी में मेरा वीडियो। हाँ। अच्छा, अभी आप ऐसा सुनने में आया कि खेसारी लाल यादव भी आपको अपने किसी एल्बम में काम देने वाले, क्या ऐसा? बिल्कुल, ऑफर दिए थे, लेकिन मेरे प्रोग्राम की वजह से हम अभी मतलब बोल दिए हैं कि अभी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रोग्राम भी तो देखना है ना। जी जी। तो अब मान लीजिए प्रोग्राम में नहीं जाएंगे तो बोलेगा लोग कि वो फेमस होने के बाद नहीं आई, प्रोग्राम में से पैसा काटेगा लोग, पैसा नहीं देगा लोग, इस वजह से हम उन लोगों को मना किए कि अब 2 महीना बाद ही जो बात होगा होगा, 2 महीना और प्रोग्राम है, आप लोग लगन बोलते हैं ना, तो 2 महीना और ही बोला खत्म हो जाए उसके बाद। अच्छा, आप ये बताइए कि खेसारी लाल यादव के ही साथ काम करेंगे कि किसी और कलाकार के साथ काम करेंगे? बिल्कुल, क्यों मतलब हम बोले हैं हम फैन खेसारी जी के हैं। अच्छा, फैन खेसारी जी के हैं, तो खेसारी जी के साथ काम करना तो मुझे अच्छा भी लगेगा। और फैन है खेसारी लाल यादव की जो कि टैटू बनवा के काम लिए, क्या? नहीं नहीं, वो देखिए वो जब फैन थी तभी तो बनवा सकती थी ना। हाँ हा। तो लेकिन नहीं, जब वो नेपाल में आए थे और उसके कुछ दिन पहले ही वो बनवाए हाथ में और पकड़ के रोने लगी, सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, देखिए हम टैटू भी बनवाए हैं, दिखा रही है, आप लोग वीडियो क्लिप देखे हुए, देखिए हम आपके लिए टैटू बनवाए हैं, और फोन में उनका फोटो भी लगा हुआ था उसका फोन में, देखे भी है। तो जब फैन है तो जरूरी नहीं है कि हम टैटू बनवाए, हाँ बनवाए है उसका शौक होगा, लेकिन वो जब नेपाल आने वाले थे 2-3 दिन आगे ही क्यों बनवाए, पहले भी तो बनवा सकती थी ना, ये सारा प्लानिंग था, सब प्लानिंग था, मुझे तो यही लगता है। वो भी ये भी बोली है कि पवन सिंह को हम नहीं जानते, क्या आप जानते हैं पवन सिंह को? बिल्कुल जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है पवन जी को, बोले नहीं जानते हैं। देखिए हम एक बात बता रहे हैं, वो उनको अच्छा लगे या बुरा,
मतलब वो एक होता है ना कि हम ऐसे बोलेंगे तो जो सोमया पोखरण को नहीं जानता होगा ना वो भी जान जाएगा। अच्छा, उसका मतलब यही था, इसीलिए तो कुछ तो विवाद में आए। जितना लोग फेमस होते हैं उससे नहीं जानते हैं ना, लेकिन लोग थोड़ा सा विवाद खड़ा कर देना उससे पूरा पहचान मिल जाता है, तो वही हाल उसका भी। सर ये बताइए, खेसारी लाल के अलावा भी कोई जो कलाकार हैं बड़े बड़े, वो भी काम देना आपको चाहते हैं? बिल्कुल, ऑफर तो बहुत आया है, लेकिन हम बोले ना प्रोग्राम की वजह से मना किए हैं। ऑफर अभी तक विजय चौहान जी, शिल्पी राज जी का सॉन्ग पे एल्बम करने के लिए, और बहुत ऐसे लोग अब नाम याद नहीं, योगेश राज मिश्रा जी, उन्होंने भी कॉल किया था, और बहुत लोग भी कॉल किए, लेकिन किसी को हम एक्सेप्ट नहीं किए, सब अभी मना कर दिए कि सर बाद में हम काम कर लेंगे, पहले ये जो मेरा प्रोग्राम है उसको ख़त्म करने के बाद। अच्छा, ये बताइए कि जब आप शुरू, मतलब कि 2-3 दिन पहले आपको वायरल वीडियो क्लिप जो हुआ, उसके बाद आपके जो माता पिता हैं उसका क्या रिएक्शन था? मेरे माँ पापा मतलब मेरे बहुत सपोर्ट करते हैं, और सबसे ज़्यादा मेरे घर में मेरा भाई और मेरा मम्मी बहुत खुश हुए थे इस बात से, क्योंकि देखिए काफ़ी साल से हम इस लाइन में हैं, 6-7 साल से, लेकिन यही काम करो जो पैसा हो, घर में खर्चा निकल जाए, फिर खर्चा ये मतलब इसी में ख़त्म हो जाता था, कुछ इनकम ही नहीं था कि ताकि हम आगे आगे और भी कुछ कर पाए, लेकिन इसीलिए मेरी मम्मी बहुत खुश है कि चलो इतना साल से मेरी मम्मी भी काम करती थी, उसके बाद फिर मम्मी छोड़ी तो हम करने लगे, तो मतलब कुछ तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना, इसीलिए मैं तो सब कुछ नहीं ना होगा नहीं। तो बस वायरल होने का फ़ायदा तो अभी कुछ दिखा नहीं है, बस इंटरव्यू मिल रहा है और आगे देखते हैं होता है क्या। मतलब कि जो भी न्यूज़ चैनल वाले हैं उनका सपोर्ट मिल रहा है? हाँ, सपोर्ट मिल रहा है। उनको क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी न्यूज़ मेरे बना रहे इंटरव्यू ले रहे हैं उन्हीं के वजह से, जो भी मेरे बारे में गुड़िया सिंह बोलते हैं, गुड़िया सिंह के बारे में जितना भी जानना होता है तो इंटरव्यू ही लोग देखते हैं, तभी ना उनको पता चलता है बहुत चीज़ मेरे बारे में। अच्छा, आप किसी इंटरव्यू में हमने सुने थे कि आप अपना कास्ट बताएं, आप राजपूत बिलोंग करते हैं? भुंजार। भुंजार से। अच्छा, इसके आप बजाय अभी कि हम 8 क्लास तक पढ़े हैं, पढ़ाई के अलावा आप अगर लगातार पढ़ाई किए होते तो आप IPS दरोगा को भी कुछ भी बन सकते थे, आप डांस लाइन को ही क्यों चुने? देखिए बात ये है, हम सबको बता रहे हैं, मेरी मम्मी कोलकाता की है, मेरे पापा यहाँ के हैं, बिहार के हैं भी। अच्छा। और पापा मतलब बिहार के और मम्मी वहाँ, तो मम्मी जब मेरी यहाँ आई ना, जब मेरी मम्मी 16 साल की थी या 15 साल की थी, तब मतलब वो दोनों में लव स्टोरी चालू हुआ, फिर उन दोनों ने यहाँ ही शादी कर ली। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं हम अपने पापा का घर नहीं चाहते, जो है मेरी मम्मी मेरे पापा यहीं पे है सब कुछ, और कोलकाता मेरी नानी रहती थी तो वहाँ पे मेरी मम्मी हमको रखती थी कि चलो, मेरी मम्मी सोचती कि मेरी माँ है तो हम अपने बेटे को तो रख ही सकते हैं, जब नानी डेड कर गई तब हम कहाँ रहे। अच्छा, इसलिए आप इस्लाम को चुन गए? बस मम्मी के पास आ गए, और मम्मी के पास आ गए तो ये काम स्टार्ट कर दिए, घर भी चलाना पड़ेगा, मम्मी भी ये काम छोड़ दी। सर, काफ़ी सारे लोग जो आपका इंटरव्यू लिए हैं उसमें काफ़ी सारे लोगों का ये कमेंट है कि आपका शादी हुआ कि नहीं हुआ है? नहीं नहीं हुआ। बॉयफ्रेंड है कि नहीं? काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं आपके कमेंट में, इसके बारे में क्या कहेंगे? अभी ना ऐसे पूछा कि हम आपको दिखा देंगे, मेरे पास क्लिप भी है उसका। अब बॉयफ्रेंड के बारे में बाद में बताएंगे अभी।